बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज विधानसभा चुनाव की उम्मीदवार का नामांकन का आखिरी दिन था और ऐसे में एनसीपी के जितेंद्र आव्हाड और शिवसेना उम्मीदवार दीपाली सैयद अपना नामांकन पर्चा भरने एमएम अली स्टेडियम पहुंचे थे और अपना नामांकन भी दाखिल किया। मुमरा कलवा विधानसभा की कहीं ना कहीं अब चुनावी तलवार खींच चुकी है। जितेंद्र आव्हाड को टक्कर देने के लिए मैदान में शिवसेना से दीपाली सैयद हैं और मुकाबला टक्कर का माना जा रहा है। दीपाली सैयद के नामांकन के दौरान पालक मंत्री एकनाथ शिंदे खुद मौजूद रहे और फार्म भी भरवाया। पालक मंत्री ने बताया कि जो शहर में चर्चा चल रही है कि मैं बिक गया हूं, अगर मैं बिका होता तो कलवा मुमरा विधानसभा से मजबूत उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारता। वहीं पर्चा भरने के बाद जितेंद्र आव्हाड मीडिया कर्मियों के सवाल पर गाना गाया और कहा 15 दिन की मेहमान है, और जवाब में दीपाली सैयद ने भी क्या कहा है। ससुराल से तो मैके में उसका बहुत तामझाम से स्वागत होता है, माँ खाना खिलाती है, भाई बहुत सारी चीज़ें उसको भेंट देता है, बहुत प्यार मिलता है। कई श्रीखंडपुरी की दावत होती है, कई खीर खिलाई जाती है, कई बिरयानी खिलाई जाती है, लेकिन यह कभी भी मैके वाला नहीं चाहता कि ससुराल वाली आई बहन मैके में ही रहे ना, वो चाहता है कि उसको ससुराल में इतना प्यार मिले कि फिर से कभी मैके ना आए। 15 दिन के लिए आई है मेरी बहन, मेरी बहन है, उसको मुमरा और कौसा कलवा में बहुत प्यार दो। और एक पुराना गीत आज मुझे सुबह सुबह याद आया उसका नाम सुन के, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। मैके की कभी याद नहीं आएगी जब वो 1.5 लाख से वोटों से हार के हमको अलविदा कहेगी। आज एकनाथ जी शिंदे थे पालक मंत्री, और हमारी पूरी टीम है, बीजेपी शिवसेना युति है, तो मेरी पूरी टीम आई हुई है आज। आप पहले मुमरा में रहती थी लेकिन उसके बाद आप शाहीन में चली गई, अब फिर मुमरा से ही जो है चुनाव लड़ रही हैं। नहीं नहीं, मुमरा में रहती थी ऐसा मैंने कभी नहीं बोला, आपको किसने कहा मैं मुमरा में रहती थी? आप मुमरा में इतनी पहले चुनाव लड़ रही हैं फिर मुमरा से? जी जी जी, एक्चुअली मैं कुरला नेहरू नगर की हूँ और कलवा मुकुंद लिमिटेड में मेरे पापा काम करते थे कंप्यूटर बोरिंग ऑपरेटर पे, और उसके वजह से कहीं ना कहीं घूम के मेरे पास ये आया हुआ है। जहाँ पे डेवलप नहीं है वो डेवलप करने के लिए शायद मुझे यहाँ पे भेजा गया है, और वो इसलिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। जहाँ पे अभी इसी जगह पर रामदास जितेंद्र आव्हाड ने आपके लिए गाना देकर गए। जी जी जी, बाबुल की दुआएं लेते जा, और जा तुझको सुखी संसार मिले, यही गाना ना जो अभी उनके हर एक सदस्य, उनके हर एक पार्टी के सदस्य वही कर रहा है। वो गाना शायद वो अपने लिए ही गा रहे हैं ताकि आगे जाके वो गाना उन्हीं पे लगने वाला है। आपका चुनावी मुद्दा क्या है मुमरा कलवा विधानसभा? सर बस क्या क्या मैं सिर्फ यही इतना ही। आपकी जो मैनिफेस्टो है उसमें आपने क्या क्या डेवलपमेंट के लिए जी तैयार किया? देखिए एक बात बताती हूँ मैं, यहाँ पे बेसिकली एक तो स्त्री शक्ति मेरे साथ है। आज तक जो मैंने काम किया है, मैंने श्रीगोंदा में साकाई उपसा योजना, पानी योजना जो 1 लाख क्षेत्रीय बंधुओं को मैंने दिलवाया है, मैंने सांगली सातारा में 1000 लड़कियों का कन्यादान कर रही हूँ। ये काम करते करते आज मैं मुमरा और कलवा में आई हूँ, और मुमरा और कलवा में भी मैं इसी तरह से काम करना चाहती हूँ। मैं विकास लाना चाहती हूँ, जो अनधिकृत बांधकाम है उसको चेंज करना चाहती हूँ। जो हमारी सरकार ने सारी चीज़ें करके रखी है उस चीज़ को मैं पुढ़ाकार करके सारा चीज़ डेवलप करना चाहती हूँ, और वो बहुत ज़रूरी है, जो इतने साल तक आज तक नहीं हुआ है वो करना चाहती हूँ। थैंक यू। यानी चुनावी जंग अब शुरू हो चुकी है और सभी विकास के मुद्दे को लेकर मैदान में है। वैसे तो उम्मीदवार कई हैं जो चुनावी मैदान में हैं, मगर दीपाली सैयद और जितेंद्र आव्हाड आमने सामने हैं और फैसला जनता के हाथ में है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।